दोस्तों, तनावपूर्ण जीवन शैली मानसिक रोगों का कारण बनती है, इसलिए इसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से आप अपने तनाव, चिंता और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। रोजाना के काम का बोझ, उलझे और टूटते रिश्ते, बच्चों की टेंशन, भविष्य से जुड़ी चिंताएं और बहुत सारी घटनाएं इंसान के मस्तिष्क पर गहरा असर डालती है। ये परिस्थितियाँ कई बार लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुँचाते हैं और यह सब कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई भी घटना हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हम अक्सर चिंता और अवसाद से घिर जाते हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाएं जिससे विपरीत परिस्थितियों का असर हमारे दिमाग पर ना पड़े। इसके लिए हम ध्यान, प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज के साथ अपनी मनपसंद गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने खान पान को भी बहुत हेल्दी रखें। इसके अलावा आयुर्वेद ने हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का वरदान दिया है जो हमारे दिमागी रोगों से बचने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं पांच ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जिनका सेवन आप किसी डॉक्टर की दिशा निर्देश के तहत कर सकते हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है जो मानसिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कार्टिसोल हार्मोन को कम करने में मदद करती है जो तनाव का प्रमुख कारण है। ब्राह्मी एक आदिशक्ति को बढ़ाती है। मार्केट में ब्राह्मी के अलग अलग उत्पाद उपलब्ध हैं। दूसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा अमीनो एसिड और विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है जो एक एडेप्टोजन के रूप में कार्य करता है। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद करता है और ऊर्जा व स्टेमिना को बढ़ाता है। अश्वगंधा नींद न आने की समस्या को दूर करता है, साथ ही ऊर्जा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है भृंगराज। भृंगराज ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है। यह बहुत ही फायदेमंद औषधि है। आमतौर पर भृंगराज की चाय के रूप में सेवन किया जाता है जो शरीर को डिटॉक्स करती है। यह औषधि मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने का काम करती है, जिससे मस्तिष्क सक्रिय होता है, जिससे तनाव और अवसाद से लड़ने में मदद मिलती है। चौथा है जटामासी। जटामासी तनाव और थकान को दूर करने के लिए एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। जटामासी की जड़ों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह तनावग्रस्त मस्तिष्क के लिए औषधि का कार्य करती है। जटामासी मस्तिष्क और शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालकर आपके तन और मन को आराम पहुंचाती है। पांचवा है वच। वच एक जादुई जड़ी बूटी है जो अलग अलग गंभीर मानसिक बीमारियों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक जड़ी बूटी मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से डोपामाइन, इसको हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, को विकसित करने के लिए जानी जाती है। चिकित्सक वचा को अक्सर अनिद्रा और मस्तिष्क को शांत करने के लिए रोगी को देते हैं।